नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं किरण शर्मा। दिन भर की कुछ खास सुर्खियों के साथ बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की ताजा खबरों की। राजधानी दिल्ली में 21 सितंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकती हैं आतिशी। एलजी ने राष्ट्रपति को भेजा पत्र, कैबिनेट मंत्रियों के नाम ना तय होने पर अकेले ही लेंगी शपथ। वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को मिली कैबिनेट की मंजूरी, संसद शीतकालीन सत्र में होगा पेश। समाजवादी पार्टी में औरंगजेब की आत्मा घुस गई है, बोले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स और ममता सरकार के बीच होगी मीटिंग, जूनियर डॉक्टरों ने बंगाल सरकार को लिखा था पत्र। दिल्ली के करोल बाग में बिल्डिंग ढहने के बाद 12 लोगों को किया गया रेस्क्यू। बंगाल में चेकिंग के दौरान भीड़ ने कोलकाता पुलिस पर किया हमला, एक आरोपी गिरफ्तार। नई दिल्ली में गणेश विसर्जन करने गए दो लड़के यमुना के तेज बहाव में बह गए। गणेश विसर्जन में भाग लेने वाले 20 वर्षीय ताशु और 24 वर्षीय विशाल यमुना नदी के तेज बहाव में डूब गए। बुधवार सुबह तक उनके शव नहीं मिले। पुलिस और गोताखोरों ने देर रात तक खोजबीन की लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। भारतीय सराफा बाजार में आज सोने की कीमत 73,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार, वहीं चांदी का भाव 87,000 रुपए प्रति किलोग्राम से अधिक। चुनाव के बाद बीजेपी का समर्थन कर सकता है इंजीनियर राशिद, बोले उमर अब्दुल्ला। राहुल गांधी को आतंकी कहने पर भड़का विपक्ष, अशोक गहलोत बोले राहुल गांधी को आतंकी कहना पाप, उनके परिवार ने देश के लिए कुर्बानी दी। राजस्थान के बारम में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो पक्षों में हिंसक विवाद, 13 लोग घायल। बीजेपी पर भड़के अजय माकन, बोले उनके सहयोगी राहुल की जुबान काटने पर 11 लाख देने की बात करते हैं। अगले हफ्ते पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। लेवलॉन पेजर विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 12, घायलों की संख्या 4,000 तक पहुंची। यह थी अब तक की कुछ खास खबरें, अब नजर डालते हैं हरियाणा की ताजा खबरों पर। उकलाना में भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ विरोध, कुमारी शैलजा पर टिप्पणी के विरोध में किया प्रदर्शन, गुलाबी गैंग का लगाया नारा। उकलाना में पुरानी अनाज मंडी में विभिन्न दलित संगठनों ने चुनाव के दौरान कुमारी शैलजा पर की गई टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन किया और मामले में कार्यवाही की मांग की। नारनौल में मंत्री अभय सिंह यादव का विरोध, ग्रामीणों ने विकास कार्य न करने को लेकर घेरा, भाजपा प्रत्याशी ने पानी भी नहीं दिया। पानीपत में लड़की घर से लापता, 1 लाख कैश आभूषण और मोबाइल फोन लेकर फरार, 9 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। हरियाणा के पानीपत जिले के समालखा कस्बे में एक लड़की अपने घर से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। युवती को 7 दिन तक उसके परिजनों ने हर संभावित ठिकानों पर तलाश किया लेकिन वह नहीं मिले, जिसके बाद उसके लापता होने की शिकायत पुलिस को दी गई है। कैथल में पूर्व केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने विनेश फोगाट पर किया कटाक्ष, बोले जिस पार्टी ने कॉमनवेल्थ घोटाला किया उसी के साथ जाकर जुड़ गई। हरियाणा में कांग्रेस ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र, महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए, 500 रुपए का गैस सिलेंडर, जातिगत सर्वे समेत 7 चुनावी वादे शामिल। फरीदाबाद में कांग्रेस पर बरसे मूलचंद शर्मा, बोले 40 साल युवाओं पर किया कुठाराघात, बीजेपी ने दिलाया निजात, दलालों की दुकानें बंद करवा दी। गुरुग्राम में अवैध शराब से भरी कार जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार, ठेके से गाड़ी में पेटियां रखकर ले जा रहा था। हरियाणा के 8 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी मानसूनी हवा, 29 सितंबर तक बने रहेंगे बारिश के आसार। यह थी देश दुनिया खबरों के साथ हरियाणा की ताजा खबरें, कल फिर होगी मुलाकात, जब तक ले देखते रहे देश रोजाना। नमस्कार, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।